नमस्कार, रेसिपीज बाय कविता में आपका स्वागत है। आज हम भुने हुए चने, काली मिर्च और ड्राई फ्रूट से ऐसे लड्डू बनाएंगे जिनसे आंखों की रोशनी बढ़ती है, खाने में टेस्टी होते हैं और जिनको बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 किलो भुने हुए चने लिए हैं, 1/2 किलो देसी खांड ली है जिसको बूरा भी कहते हैं, 1/2 किलो घी लिया है, ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और काली मिर्च ली है। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे, इसमें घी डाल देंगे। मैंने गाय का घी लिया है। जब तक घी गर्म होगा चनों को दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। घी गर्म हो गया है, सबसे पहले हम काली मिर्च फ्राई कर लेंगे। काली मिर्च आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए इन लड्डुओं में काली मिर्च ज़्यादा डालेंगे और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हमने काजू डाल दिए हैं, बादाम डाल दिए हैं, इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से क्रंची हो गए हैं। अब इसमें भुने हुए चने का आटा डाल देंगे। इस आटे को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने पहले ही भुने हुए थे। बस घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना पड़े, लगातार चलाते रहेंगे। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इन लड्डुओं को हम गर्मी में भी खा सकते हैं और सर्दी में भी खा सकते हैं। आटा घी में अच्छे से मिक्स हो गया है, ड्राई फ्रूट्स भी डल गए हैं, काली मिर्च जो हमने फ्राई की थी वो भी ठंडी हो गई है। इनको मिक्सी के जार में दरदरा पीस लिया है। इन लड्डुओं में काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। काली मिर्च अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसको ठंडा कर लेंगे। खांड हम अभी नहीं डालेंगे, अगर गरम में डाल दिया तो पानी छोड़ देगी, इसलिए इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें खांड मिलाएंगे। आधे घंटे के बाद मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें सौंठ का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाल देंगे, इनसे लड्डुओं का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में खांड भी डाल देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। मैंने चनों के छिलके उतारे हैं, अगर आप चाहें तो छिलकों के साथ मिक्सी में पीस के भी लड्डू बना सकते हैं, वो लड्डू भी टेस्टी बनेंगे। तो कितना आसान है ये लड्डू बनाना और आंखों की रोशनी बढ़ाने का ये रामबाण इलाज है। तो आप भी अपनी फैमिली को ये लड्डू ज़रूर बनाकर खिलाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।